हेलो थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न ईवीएस लेसन नंबर टू. सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स. काइंड्स इट मीन्स व्हाट? दयालु. ये जो एनिमल्स है ये कितने दयालु है और ये हमारे जीवन में हम लोग को कितना सपोर्ट करते हैं हमारे लाइफ में. सो सी योर कैन यू टेल, यू विल इजीली रिकॉग्नाइज द एनिमल्स इन द पिक्चर. टेल देयर नेम्स एंड ऑल्सो देयर स्पेशल फीचर्स. रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, ओळखायचे. सो यू विल इजीली, आप लोग इसको इजीली रिकॉग्नाइज पहचानोगे इजीली. एनिमल्स इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर में दिया एनिमल्स है ये आप लोग इजीली पहचानोगे. एंड टेल देयर नेम्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स. फीचर्स इट मीन्स वॉट? त्यांची वैशिष्ट्य, उनकी विशेषताएं. आप लोग जल्दी से इनकी विशेषताएं नाम के साथ बता सकते. सो सी डियर, रो, पैरेट, स्नेक, एलिफेंट. नाउ सी, ये आपने इनकी आगे देखिए. कैन यू टेल, ये आपका होमवर्क है. सी दिस इज योर होमवर्क. ये जो आपको नेम अस, ये आपको खुद से लिखना है आपके नोटबुक में. एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई, एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर, ये आपको खुद से लिखना है. एनिमल्स दैट आर ब्लैक, एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स, वेरी लार्ज एनिमल, वेरी टाइनी एनिमल्स, ये आपको खुद से लिखना है. पहले बिफोर दैट लिसन अभी. वेयर वी विल फाइंड, वेयर विल यू फाइंड अस. सी एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई. ये जो ईगल है, फ्लाइज मतलब उड़ता है, हाई मतलब बहुत हाई तक ये स्काई में उड़ता है. अ काव वॉक्स ऑन द ग्राउंड. ये जो काव है ये ग्राउंड पे वॉक मतलब चलती है. फिश स्विम इन द वॉटर. ये फिश कहाँ पे है? स्विम मतलब तैरती है वॉटर में, पानी में. सो सी देयर इज अ डिफरेंस. एक हवा में है, एक जमीन पे चल रहा है. काउ वॉक एंड लैंड ग्राउंड एंड स्विम. फिश स्विम इन वॉटर. सो सी दिस इज डिफरेंट. अलग अलग तरीके से एनिमल्स कैसे रहते हैं. नाउ सी, वी आर डिफरेंट कलर्स. कलर्स देखो किसके किसके, अलग अलग. डिफरेंट इट मीन्स अलग अलग. सी द ईगल, ईग्रेट इज व्हाइट. ईग्रेट इट मीन्स ये. द क्रॉ इज ब्लैक. द बफेलो इज टू ब्लैक, इज ब्लैक. बट द पीकॉक हैज मेनी डिफरेंट कलर्स. ये जो है व्हाइट बगुला, बगड़ा बोलता है त्याला मराठीत आणि हिंदी मध्ये बगुला बोलतात. सो ही, ये जो है इग्रेट ये व्हाइट है, बफेलो ब्लैक है, ये कलरफुल है. सो ये डिफरेंसेस बता है कलर के. एनिमल्स है, बर्ड्स है, पर इनके अलग अलग कलर है और इनके हर अलग अलग विशेषताएं भी है, फीचर्स भी. नाउ सी, वी मे बी अ बिग, वी मे बी स्मॉल. कोई कोई छोटे रहते तो कोई कोई बड़े रहते. द हॉर्स एंड द बुलक आर लार्ज इन द साइज. करेक्ट, हॉर्स है और बुलक. ये कैसे है? बैल, हॉर्स मतलब घोड़ा. ये कैसे लार्ज है साइज में? कैसे लार्ज? इट मीन्स लार्ज, इट मीन्स वॉट? बड़ा. लार्ज इट मीन्स बिग. ये साइज में बिग है. द गोट एंड द डॉग आर द मीडियम साइज. ये राइट, ये जो गोट है और जो डॉग है ये कैसे है? साइज में मीडियम है. कैसे है? मीडियम है. द माउस एंड द स्क्विरल आर स्मॉल. ये जो स्क्विरल है ये और माउस, ये कैसे साइज में? छोटे है. सबसे पहले देखिए साइज का भी. बुलक, हॉर्स एंड बुलक्स आर लार्ज इन द साइज. हॉर्स और बुलक कैसे? लार्ज मतलब साइज में बड़े है. द गोट एंड द डॉग आर द आर ऑफ मीडियम साइज. ये कैसे है साइज में? मीडियम है. गोट एंड डॉग और माउस एंड स्क्विरल आर स्मॉल. माउस और मतलब क्या? चूहा. और ये स्क्विरल, ये कैसे है साइज में? छोटे. द अर्थवर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टील. ये दो. कैंट्स एंड आंट्स आर वेरी टाइनी इंडीड. मतलब टाइनी मतलब सबसे छोटे. ये देखो आंट वगैरह, ये कॉकरोच, ये सारे स्मॉलर है. सो सी, आपको ये कलर का डिफरेंसेस बता है एनिमल्स का, ये साइज का बताया है. नाउ सी, कैन यू टेल, ये भी आपका होमवर्क है. विच एनिमल रन वेरी फास्ट, विच एनिमल मूव वेरी स्लोली. ये आपको खुद से लिखना है. वी मूव इन डिफरेंट वेज. ये अभी कैसे करते हैं? हमने कलर देखा, साइज देखा, अभी ये मूव मतलब उनकी हलचल कैसे रहती है. देखो,
A squirrel is a small animal. It is a nimble. Nimble it means what? स्फुर्तीला, मतलब वो squirrel कैसी रहती है, फटाफट झटपट झटपट tree पे मतलब पेड़ पे चढ़ती है और उतरती भी उतना fast है, तो ये move कैसे करती है, nimble it means स्फुर्तीला, बहुत इसका वर्क जो है वो फास्ट रहता है. इट क्लाइम्स, क्लाइम्स मतलब चढ़ना, अप अ ट्री क्विकली एंड सेफली, रन्स अलोंग इट्स ब्रांच. ब्रांच इट मीन्स वॉट, ये जो टहनी है इस पे ये मूव कैसे करती है, फास्ट करती है. कैसे करती है, फास्ट एकदम क्विक से, आप पलक झपक के ये गायब होती है, इतनी मतलब इतने स्पीड है उसमें. द एलिफेंट्स बॉडी इज बल्की. बल्की मतलब जड़, जड़ बोलते हैं ना, हैवी फैट लाइक दैट. इट्स लेग्स आर हैवी, ये इसके जो पैर है एलिफेंट के ये बहुत हैवी होते. द एलिफेंट कैन नॉट रन एट अ ग्रेट स्पीड. ग्रेट स्पीड इसका मतलब क्या है, ये जो एलिफेंट है ये ग्रेट स्पीड से भागता नहीं है, ये स्लोली वॉक करता है, बिकॉज इज लेग वेरी फैट, हैवी है ये, इसको ये लेके दौड़ना इट कांट पॉसिबल, सो ये स्लोली चलता है, ये ग्रेट स्पीड से दौड़ता नहीं है, ये दौड़ता है, ये रन करता है बट स्लोली कंपेयर टू डियर. नाउ सी द डियर हैज थीन लेग, इसके देखो थीन लेग है, पतले, थीन इट मीन्स पतला बारीक जो भी है. इट रन्स वेरी फास्ट, ये कैसे करता है, रन्स वेरी फास्ट क्विक, समझ में आया ये कंपेयर ये दोनों का और इसका भी. नाउ सी अ फ्रॉग हाइंड लेग्स आर लॉन्ग. हिंड मतलब प्रीवियस, मतलब ये जो पीछे के पैर है, प्रीवियस मतलब पीछे का. सो इट कैन इजीली हॉप जम्प एंड लीप, मतलब क्या ये जम्प करता है, ये अपने पीछे के पैरों से इजीली, ये जो पैर रहते हैं ना ये हिंड मतलब पीछे वाला प्रीवियस लेग्स, ये उसका बड़ा रहता है, तो इससे ये क्या होता है तुरंत मतलब जम्प करता है, हॉप करता है, और ये जम्प बोलते हैं ना ये करता है फास्ट, उसका मूवमेंट इसके वजह से फास्ट होता है. सो सी देयर इज डिफरेंट डिफरेंट वेज कैसे उनकी मूवमेंट्स होती है. ये ब्रांच पे रहती है, ये एकदम स्फुर्तीले निम्बल रहता है, और ये स्लो होता है एकदम, और ये फास्ट, और ये जंप करता है. सो सी दिस डिफरेंट वेज टू मूव. नाउ सी कैन यू टेल, ये भी आपका होमवर्क है, व्हाई डू वी कीप काउज, नेम सम other animals that are useful to us. Why do we not like if there are mice or bed bugs? Bed bugs it means, मुझे हिंदी नहीं पता था, खटमल it means ढेकुन, मराठी में बोलते हैं ढेकुन, खटमल in our house. ये आपको लिखना है. So अभी आप ये देखिए, you find us useful. पीपल लव कीप टू एनिमल्स, मतलब जो लोग है वो अपने एनिमल्स पे प्यार करते हैं और उनको रखते हैं, कीप मतलब अपने घर पे वगैरह रखते हैं. सो सी द डॉग गार्ड आवर हाउस. डॉग क्या करता है, गार्ड करता है, मतलब हमारे घर की सुरक्षा करता है, कोई चोर आए कोई भी आए तो हमारे हाउस की डॉग गार्ड करता है. पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू, पीपल क्या करते हैं, कैट्स को भी पेट एनिमल एज उसको पालते हैं. कीप कैट्स टू मतलब वो कैट्स को भी अपने पास रखते हैं पेट एज लाइक अ पेट एनिमल. काउज बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क. काउ, काउ जो रहती है, बफेलो रहते हैं, ये क्या देते हैं हम लोग को, मिल्क देते, तो पीपल उनको भी अपने पास रखते है. सम पीपल कीप हैंस, हैंस भी रखते हैं मुर्गी, जिससे उनको एग्स मिलते हैं. वी गेट मीट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स. करेक्ट है, हम लोग का एनिमल्स हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग को उनसे क्या मिलता है, मीट मतलब जो आप चिकन मटन बोलते हैं लाइक दैट, वो मिल्क दूध और एग्स, आपको तो पता है अंडे, ये सारी चीजें एनिमल्स से हम लोग को मिलती है. बल्बुक बुलक्स हेल्प विथ फार्म वर्क, ये जो खेती का काम है फार्म वर्क में है, बुलक्स हेल्प करता है. हीच टू कार्ट मतलब वो कार्ट को पकड़ के लेके जाता है, मतलब जो बैलगाड़ी रहती है उसकी तरह. दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स, मतलब वो क्या करते हैं, हैवी बर्डन्स जो जड़ बोलते हैं ना, हैवी मतलब हैवी मतलब जड़, तो ये जड़ जो बर्डन रहता है ये यहां से वहां अपने कार्ट पे लेके जाते हैं. टू
हॉर्सेस एंड डोंकीज, ये डोंकी हॉर्सेस भी उस तरीके का काम करते हैं। टू आर यूज टू कैरी बर्डन्स, मतलब डोंकी और हॉर्स भी कैरी बर्डन्स करते हैं। वी लुक आफ्टर द एनिमल्स, वी फीड देम, फीड मतलब हम लोग को, ये हम लोग के इतने सारे काम करते हैं तो हम लोग उनको खाना देते, फीड मतलब खिलाते। वी टेक केयर ऑफ देम वेन दे आर ill, अगर वो लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग उनकी क्या करते हैं, बोलते हैं ना टेक केयर करते हैं, उनकी हम लोग कालजी लेते हैं, उनका हम लोग देखभाल करते हैं। द एनिमल्स वी की बिकम वेरी डियर टू अस, एनिमल क्या करता है, एनिमल्स वी की वी बिकम्स वेरी डियर टू अस, क्या करता है एनिमल, डियर मतलब हम लोग को एक तरीके के बोलते हैं, ये हम लोग के साथ इतने हम लोग इनको रखते हैं तो ये हम लोग को बहुत सारी चीजें अपने से देते, तो हम लोग अगर वो लोग बीमार पड़ते हैं कुछ भी होते तो वो हम लोग उनका ख्याल भी रखते। वी द गैदर्स सी अ गेट रैच, सम एनिमल्स एंटर आवर हाउसेस इवन द वी डोंट वॉन्ट देम, हम लोग को अगर नहीं चाहिए फिर भी ये सारे एनिमल्स हम लोग के घर पे आते। माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन बिसाइड्स गैंगविंग अदर थिंग्स इन द हाउस, मतलब क्या, माइस मतलब फीमेल रैट जो रहती है उसको माइस बोलते हैं, और रैट्स ये लोग हम लोग को नहीं चाहते, ये जो जो हमारा जो अनाज है ग्रेन्स है, ग्रेन्स मीन्स मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेसन में, ग्रेन्स मीन गेहूं ज्वार बाजरी ये सारे जो स्टोर रहता है इसको ये लोग खा के वो हम लोग को नुकसान देने का काम करते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब नुकसान करते हैं, ये खत्म करते हैं, गैंगिंग इन द, समटाइम्स वी फाइंड बेडबग्स इन आवर हाउस, बेडबग्स मतलब मैंने पहले ही बोला था खटमल ढेकुन, ये क्या करते हमारे घर में रहते, दे सक आवर ब्लड मतलब वो हमारा खून चूसते। स्पाइडर मेक कैब वेब मतलब नेट बनाता है, स्पाइडर क्या करता है ये नेट बनाता है घर पे, इन द हाउसेस स्पाइडर क्या करता है हमारे घर में क्या करता है नेट बनाता है। मस्कीटो, मस्कीटो मतलब ये मच्छर, फ्लाइज गैंट्स एंड कॉकरोचेस आर न्यूसेंस मतलब बाधा आते टू इवन दिस ट्रबलसम एनिमल्स टू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर, ट्रबल मतलब ये हम लोग को तकलीफ देते ये सारे एनिमल्स, बराबर है ना, अगर मस्कीटो आपको ज्यादा करते तो आपको क्या होता है मलेरिया और बहुत सारी बीमारियां इससे होती है, ये हमारा अनाज खा के हमारा पूरा डिस्ट्रॉय करता है अनाज। स्पाइडर क्या करते हैं हमारे घर पे जाला बनाते, बेडबग्स क्या करते हैं हमारा खून चूसने का काम करते, सो ये एनिमल्स हम लोग को नहीं चाहिए रहते, आया समझ में। तो आज हम लोग देखेंगे आपको क्या करना है बच्चों, ये पार्ट वन का ही वीडियो बनाती हूँ बिकॉज ये लेसन लेंदी है, सो आई मेक टू वीडियोस फॉर दिस लेसन। सी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लेसन में ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इसके बाद ना आपको ये लेसन पूरा रीड करके ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है और ये, और इसके डिफरेंसेस आपको समझ में लेने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको उनके नाम पहचानना है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना है, इसके फीचर्स मतलब आपके उसकी विशेषताएं बतानी है, इसका मतलब एनिमल्स से बर्ड से लेकिन अलग अलग तरीके से कैसे है, एक उड़ने वाला है, एक पानी में तैरने वाला है, एक जमीन पे चलने वाला है, सो ये डिफरेंस है। इसके बाद कलर का डिफरेंस देखा बच्चों हमने, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक कलरफुल है, सो ये अलग अलग एनिमल्स है बर्ड से इंक्लूडिंग, तो ये क्या है अलग अलग तरीके से है। इसके बाद आपने देखा साइज, ये बिग साइज इन बिग हॉर्स हॉर्स बुलक, ये बिग इन साइज है, ये थोड़ा मीडियम साइज में है गोट डॉग लाइक दिस, ये स्क्विरल ये जरा स्मॉल साइज में है, और ये टाइनी मतलब सबसे छोटे साइज में है, तो ये आपको साइजेस पता चली। इसके बाद कैन यू टेल, ये आपको होमवर्क करना है। उसके बाद आपने देखा कि वेज, डिफरेंट वेज टू मूव, मूव मतलब उनकी हलचल कैसे रहती है, तो ये कैसे ब्रांचेस पे स्फूर्तिला मतलब निम्बल बहुत फास्ट चलता है। इसके बाद अपने ये हॉर्स को देखा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एलिफेंट को देखा,
एलिफेंट ने आपने देखा होगा कि कैसे अपने लेग हेवी होने की वजह से ये कंपेयर टू डियर उसके फास्ट नहीं रन करता, सो ये दौड़ता फास्ट नहीं है। सो डियर के ये थीन लेग्स देखा, उसका साइज थीन होने की वजह से ये फास्ट दौड़ता है। उसके बाद ये पीछे का हिंड, मतलब प्रीवियस मैंने यहाँ पे भी लिखा है, सो ये आपने देखा होगा ये इसके लेग्स का साइज कैसा है। प्रीवियस लेग जो है ये बड़ा है, तो इसके इसके लिए ये ऐसे जंप करता है। सो ये अलग अलग तरीके से मूवमेंट देखी। इसके बाद बच्चों आपको ये भी होमवर्क करना है, और इसके बाद आपने देखा कि हम लोग कैसे यूजफुल करते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स ये भी है, ये भी है, ये भी, पर हम लोग कौन से एनिमल्स यूज करते हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो हम लोग उनका कैसे ख्याल करते हैं, अगर और उनसे हम लोग को क्या क्या मिलता है, उनसे हमको मीट, मिल्क, एग्स फ्रॉम एनिमल्स, ये हम लोग को मिलते हैं। उसके बाद एनिमल्स ये भी है, ये कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग का खाना, घर, हम लोग का ब्लड, तो ये सारा इसमें दिया है आपने। सो बच्चों आज मैं इतना ही कंप्लीट करूंगी, पार्ट टू में आपको मैं आगे का लेसन कंप्लीट करूंगी। तब तक आप ये सारे जितने हो सके आप लोग ये पढ़ो और उसके डिफरेंसेस समझ के लो। बाय बाय।